उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं मंडलायुक्त सहारनपुर के ऑफिस के बाहर, जहां पर एक पीड़ित महिला है जो थाना गाघा लेडीज क्षेत्र की रहने वाली है। उनकी समस्या है जहां पर थाना इंचार्ज गाघा लेडी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जानते हैं हम उनसे पूरी। बताइए मैडम, क्या हुआ आपको? मेरे पति ने मेरे ऊपर तेजाब डाला। गांव रूपड़ी जुनारदार के ना मेरे ससुर प्रधान है, उन्होंने थाना ही खरीद रखा है। एसओ जो दरोगा दोनों उनके साइड की बात कह रहे मेरे, वो जो मकान है वो मेरे पापा ने खरीदवा के दिया था बना के। वे कह रहे हैं बेच दे से, बेच कर गांव आ जाए। मैं जाती नहीं, गांव से पहले भी निकाल ली गई, अब दोबारा मैं क्यों जाऊँ? अभी मेरे पैतक चार करे गए तो बेटियों के साथ मैं यहाँ आई थी, 6 महीने हो गए छोड़ कर चले गए थे, खर्चा सब बंद कर दिया था। अब उस दिन आए 29 तारीख को तेजाब डालने के लिए। कहाँ पर? आपके अपने मायके में या आपके नहीं? ससुराल तो मेरा रूपड़ी में गाघा लेडी में ही रह रही हूँ। अच्छा। मकान बना के दिया था पापा जी ने दोनों बेटी के साथ, वहीं आए हुए वहीं घेर गए थे। जब मेडिकल हुआ मेरा पुलिस ने, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करी गाघा लेडी वालों ने। फिर मैं हर जगह गई, आज मैं DIG के पास आई, यहाँ से कमिश्नर साहब के पास। अच्छा। सबके पास जाके आज उन्होंने ऑर्डर लिख दिया इस पर जाँच के, SPCT के नाम। कार्रवाई होगी? हाँ जी, अभी उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। जाओ, दोनों गुड़िया मेरी हैं। तो पति कहाँ है आपके? मेरे गांव में, उनके साथ ही ससुराल वालों के साथ। उन्होंने तेजाब डाला? हाँ जी, उन्होंने ही डाला। तो आपके ससुर प्रधान है? हाँ जी, गांव के प्रधान है, जुनारदार रूपड़ी। जुनारदार के क्या नाम है प्रधान का? बीरम सिंह। बीरम सिंह, तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? अभी गलेडी थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो है आज कमिश्नर साहब ने ऑर्डर लिखे, हाँ, SPCT के नाम। जाओ। तब से आपको घर से निकाला? तब से मैं बड़े वाली बेटी हुई तब से निकाल देता, फिर मेरे छोटी बेटी हुई। तो बेटियां होने के कारण आपको घर से निकाल? हाँ जी, जब से बड़ी बेटी। कितनी उम्र है बच्चों की? यो 11वें साल में लग रही, यो 8वें साल में लग रही। कितने साल हो गए घर से निकाले इसके? या 1.5 साल की थी बड़े वाली बेटी, तब से घर से निकाल दिया। हाँ, घर से निकाले वो कर देंगे। तो यहाँ पर किस तरह से एक जो चेहरा है अभी भी लोगों का सामने आ रहा है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग हैं जो बेटियां होने पर बहुओं को घर से निकाल देते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। कैसा ये समाज का रुख है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, जो जिला अधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर इनकी 2 बेटियाँ हैं जिस कारण से इनको घर से निकाल दिया गया और इनके ऊपर तेजाब डालने का जो है मामला किया गया है, जिनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और किस तरह से इनके ही पति ने लड़ाई झगड़े के अंदर इनके ऊपर जो है तेजाब डालने का काम किया है। किस तरह से एक सवालिया निशान पुलिस के ऊपर उठता है जो थाना गाघा लेडी इंचार्ज हैं, दबाव में, जैसा इन्होंने बताया है कि इनके ससुर जो हैं रूपड़ी जुनारदार जो है उसके प्रधान हैं, उनके दबाव में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की है। ये महिला जो है आज मंडलायुक्त के ऑफिस में आई है, जहां से उनको एक आश्वासन दिया गया और SPCT को एक ऑर्डर जारी किया गया। वो पत्र हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये पत्र है जिसमें SPCT का पूरा उसमें दिया गया है और यहाँ पर जो है मोहर भी लगाई गई है। मंडलायुक्त के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं SPCT के लिए, ताकि इस महिला को एक इंसाफ मिल सके, पुलिस कार्रवाई करे उन व्यक्तियों पर जिन्होंने इनके साथ अन्याय किया है। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सनसनी, सहारनपुर।